वक्त राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंध मारी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दो पूर्व मंत्री बीजेपी का दामन थामेंगे और दो पूर्व मंत्री समेत कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, इसके साथ ही राजेंद्र यादव बीजेपी में शामिल होंगे, ये दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। लालचंद कटारिया ने जी राजस्थान से फोन पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अभी क्षेत्र में हूं, शाम तक वापस लौटूंगा और कल ज्वाइनिंग के बाद हेड़ा खान जाएंगे कटारिया और यादव। आपको बता दें कि यहां पर उत्तराखंड के हेड़ा खान में दोनों की आध्यात्मिक आस्था है और ऋषपाल मिर्धा और साथ ही विजयपाल मिर्धा की भी तैयारी है। सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक रहे हैं सुरेश चौधरी, वो भी शामिल हो सकते हैं, इसके भी चर्चाएं हैं। शाहपुरा से पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल भी जाएंगे। भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा बीजेपी में जाएंगे, इसकी भी चर्चाएं जोरों पर है। तो कल सुबह 11 बजे प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में ये बड़ी सेंध मारी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दो पूर्व मंत्री बीजेपी का दामन थामेंगे, इसमें साफ तौर पर नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव, जो कि कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे, भाजपा का दामन थामेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो खबर है वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, कांग्रेस को बड़े झटके यहां पर लगेंगे। आपको बता दें, लालचंद कटारिया ने जी राजस्थान से फोन पर पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा कि अभी क्षेत्र में हूं, कल शाम तक वापस लौटूंगा और कल ज्वाइनिंग के बाद हेड़ा खान जाएंगे कटारिया और यादव। उत्तराखंड के हेड़ा खान में दोनों की आध्यात्मिक आस्था है, तो ऐसे में ज्वाइनिंग के बाद पहले वो हेड़ा खान जाएंगे। और इसके साथ ही देखिए, कई नेताओं के भी बीजेपी में ज्वाइनिंग की चर्चाएं सामने आ रही हैं और इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर पाएंगे, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि, देखिए ये बड़ी खबर बीजेपी में ज्वाइनिंग के सामने आ रही है और साथ ही बड़ा झटका कांग्रेस को रटने जा रहा है। दो पूर्व मंत्री कांग्रेस के जो है बताए जा रहे हैं बीजेपी कल ज्वाइन करेंगे, साथ ही कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। अंकुर, दरअसल ये बीजेपी का परिवार बढ़ाने की कवायद है, कांग्रेस का कुनबा कमजोर करने के लिए, मोदी का परिवार बढ़ाने के लिए बीजेपी पिछले कई दिन से लगातार कोशिश कर रही थी। मंत्री, जो पूर्व मंत्री शामिल होंगे बीजेपी में, उनकी संख्या दो से बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव का शामिल होना तय है। लालचंद कटारिया आज अपने विधानसभा क्षेत्र जो झोटवाड़ा था उनका वहां पर गए हुए हैं, अलग अलग जगह लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे और जो कई पंच पटेल हैं उनको कल के कार्यक्रम में बुलाने की भी उनकी कोशिश रहेगी। वहीं पूर्ववर्ती सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे अशोक गहलोत की, गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव भी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। अपने क्षेत्र में समर्थकों को राजेंद्र यादव ने कल सुबह 9:30 बजे जयपुर पहुंचने का मैसेज करवाया है। इसके साथ में रामपाल शर्मा, जो भीलवाड़ा यूआईटी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नजदीकी सिपहसालारों में शामिल रहे हैं रामपाल शर्मा, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव। उदयलाल आंजना का भी नाम बताया जा रहा है, हालांकि उदयलाल आंजना ने हमारे सहयोगी आशीष चौहान से इस बात को लेकर इनकार किया है। जब आशीष ने फोन पर पुष्टि करने की कोशिश की तो पिछले दिनों उदयलाल आंजना का नाम जोर शोर से चर्चा में आया था, लेकिन आंजना को राजस्थान कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके चलते संभावना है कि आंजना पार्टी में ही रुक जाएं। पूर्व सांसद रहे हैं आंजना भी और जालौर सिरोही से उनको प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन अब लुम्बाराम चौधरी को बीजेपी वहां से टिकट दे चुकी है। ऐसे में हो सकता है पार्टी का भी मानस बदल गया हो, लेकिन कई चेहरे आएंगे इसमें। सुरेश चौधरी, जो सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक रहे हैं, शाहपुरा के पूर्व विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल रही डॉक्टर कमला के पुत्र आलोक बेनीवाल का नाम शामिल है जी। आप ये देखिए कि लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है और पंचायती राज से जुड़े कुछ प्रतिनिधि भी कल शामिल हो सकते हैं। शामिल होने वालों की संख्या 15 से ज्यादा बताई जा रही है और पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट से नेगेटिव रिपोर्ट अगर आ जाएगी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे जी। पार्टी के कुछ अन्य प्रमुख नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आप और हम लगातार इस बात को दर्शकों को बता रहे हैं कि जाट पॉलिटिक्स अगर प्रदेश की प्रभावित करने की
कोशिश है, तो उसमें लालचंद कटारिया का आना, सुरेश चौधरी, आलोक बेनीवाल का आना अहमियत रखता है। साथ में ऋषपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा दोनों पिता पुत्र हैं और विजयपाल मिर्धा लालचंद कटारिया के दामाद हैं, उनका भी आना संभावित माना जा रहा है। हालांकि मिर्धा परिवार को लेकर तो बीजेपी पहले ही सैन लगा चुकी है, ज्योति मिर्धा को दिल्ली में ज्वाइनिंग कराई थी, उसके बाद उन्हें नागौर से विधानसभा का टिकट दिया, अब लोकसभा का टिकट दिया है, और पार्टी की कोशिश यही होगी कि अलग अलग समीकरणों को साधते हुए, सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट लें, 25 सीट जीते। लेकिन चूरू में राहुल कसवा अभी बीजेपी के इस विचार में बाधा बन सकते हैं, जिस तरीके से राहुल कसवा कल आपको कहते हुए दिखाई दिए कि चूरू की जनता का फैसला कोई बाहरी नहीं करेगा, बल्कि यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान और यहाँ का वोटर ही चूरू के भविष्य का फैसला करेगा। राहुल कसवा का यही कहना लगातार कि उनका गुनाह क्या था, उनकी गलती क्या थी, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के ही कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, उनका टिकट कटवाया, ऐसे लोग कौन हैं, क्या वो परोक्ष रूप से राजेंद्र राठौड़ का नाम लेना चाह रहे थे, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर से चुनाव लड़ा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के समर्थक ये कहते हैं कि राहुल कसवा ने तारानगर से राठौड़ को हराने में अहम भूमिका निभाई। उधर रामपाल शर्मा का आना सवाल खड़े कर रहा है, रामपाल शर्मा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सीपी जोशी के नजदीकी नेता हैं, आरसीए में भी समय समय पर सक्रिय रहे हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बनने की इनकी मंशा रही पहले, लेकिन फिलहाल जैसा आप अभी दर्शकों को बता रहे थे कि धनंजय सिंह कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं, तो वो पहलू तो नहीं दिख रहा, लेकिन रामपाल शर्मा को भी अब बीजेपी में ही संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं भविष्य के लिए। सवाल यहां पर ये उठते हैं कि इतनी बड़ी